डियर किड्स, हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी है लैंग्वेज और केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें एसिड रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन, कंपाउंड का फॉर्मूला राइटिंग से लेते हुए डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का लिखने का हम लोगों ने तरीका सीखा। बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर हमने स्टडी किया। लास्ट आज बच गया है एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो हम लोगों ने लिखा और हम समझते हैं कि आप लोगों को भी आ गया। अगर नहीं आया तो आप जरूर अपने प्रॉब्लम्स को सामने लाइए ताकि उसको बताने में मैं आपको मदद कर सकूं, क्योंकि कंसेप्ट तो ही है जो आपको हम दे चुके हैं। अब केवल बच गया है ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला लिखना और ऑक्साइड के टाइप्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का स्टडी करके बताया गया कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कंपाउंड बनाता है तो जो रिजल्ट बनता है उसे हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। अरे कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया, कंबाइन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, कंबाइन करके बनाता है CO2। एल्युमिनियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, रिजल्ट बनाता है Al2O3। ये सब ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऐसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं P2O3 या P2O5। इस प्रकार से तो कहने का अर्थ है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुटकर जो रिजल्ट बनाता है वैसे रिजल्ट को हम ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए परिभाषा हम लोग दे सकते हैं सच कंपाउंड्स विच आर by the combination of element and oxygen ऑक्साइड्स का स्टडी करके देखा गया है कि कई प्रकार के होते हैं, तो उन सारे टाइप्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम लोग काइंड्स ऑफ ऑक्साइड के बारे में बताएं। बच्चों पहले ये बताओ कि ऑक्साइड्स के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर या तो एकदम नहीं जानकारी हो या कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, बीच में हो, तब तो खतरनाक है। इसलिए पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ऑक्साइड की परिभाषा तो जान गए, अब ऑक्साइड के टाइप्स कितने हैं ये हम लोग जानने का प्रयास करें। ऑक्साइड के वास्तव में 8 प्रकार होते हैं, ये जानो। और कभी न भूलने वाली ये बात है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। क्या है ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग देखें डिटेल्स। तो ऑक्साइड के जो 8 काइंड्स हैं, वह काइंड्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और हम लोग काइंड्स पर विचार करें। Right.
साइज एज शोन बिलो क्या है तो पहला है इसे कहते हैं एसिडी कॉक्साइड दूसरा है उसे कहते हैं बेसिक ऑक्साइड तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड चौथा है दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड पांचवा है पेरोक्साइड छठा है मिक्स्ड ऑक्साइड सातवा है सब ऑक्साइड और आठवां और लास्ट है दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड क्लियर है ऑक्साइड्स के आपको टाइप के बारे में आपको जानकारी मिल गई अब वन बाय वन करके इन सबों का स्टडी करें एसिडिक ऑक्साइड से क्या समझते हैं ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के होते हैं मतलब इनको जल में बुलाया जाए तो एसिडिक फॉर्मेशन होगा और अल्कली से रिएक्शन करके बेस से रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करे तो उसे हम एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे तो क्लियर है स्टर्च ऑक्साइड विच फॉर्म विच आर एसिडिक इन नेचर And form acid when dissolved in water and gives salt with एसिडिक ऑक्साइड क्लियर हो गया कि जो ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं मतलब जल में खुदाए जाने पर एसिड बनाएंगे या बेस या अल्कली से रिएक्शन करावे तो सॉल्ट का निर्माण करेंगे तब वैसे ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है इसलिए लिखते हैं कि ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड जानकारी है नॉन मेटल कौन है कौन कौन है तो थर्ड ग्रुप के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब नॉन मेटल ग्रुप हैं मतलब उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे अर्थात एसिडिक ऑक्साइड होंगे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन N2O3 बनाता है जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जैसे फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाता है जैसे सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ऑक्साइड जैसे CNO, CNO2, CNO3 इत्यादि ये सारे
ये सारे सब कहलाते हैं हेलोजन के ऑक्साइड्स। तो ये सब क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड होंगे क्योंकि ये वाटर में घुलकर एसिड बनाएंगे या अल्कली से रिएक्शन करके बनाएंगे सॉल्ट। जैसे CO2 जल में घुलता है अभी जस्ट पर कि ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, ये यहाँ इसका रिएक्शन करा दें किसी भी बेस से, सपोज कीजिए इसका रिएक्शन कराते हैं चूना जल से CaOH2 से, तो ये कंबाइंड होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे और वाटर देख रहे हैं सॉल्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम तो कह सकते हैं ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड्स है। सेकेंड है बेसिक ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, मतलब एसिड से कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। सच ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन कैरेक्टर एंड फॉर्म सॉल्ट विद एसिड, बेसिक ऑक्साइड्स। आपके नॉलेज के लिए सिंपल सा कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वे सभी बेसिक ऑक्साइड हैं, क्योंकि एसिड से कंबाइन करके हुआ सॉल्ट का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे बेरियम ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड हैं, ये सभी बेसिक कैरेक्टर होंगे, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि ये सभी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करता है तो रिजल्ट बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो ये भी रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर। तो देख रहे हैं हम ये किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, इसलिए स्पष्ट है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, ये ध्यान रखना होगा। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन दिस केस आल्सो, और वो एक्सेप्शंस क्या है, तो जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स नहीं है, जबकि जिंक और एल्युमिनियम दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड्स इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक्सेप्शन तो लोग ऐसे ही याद रहता है, एक आध दो ही तो होता है, इसलिए याद रखेंगे जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स आर नॉन बेसिक ऑक्साइड्स। अब आइए तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड्स जो मेटल, और ऐसे ऑक्साइड जो एसिड या बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, मतलब एसिड से रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है तो उसको तो बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, और जो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है तो उसको एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन जिसमें दोनों ही के साथ सॉल्ट बनाने की प्रवृत्ति हो तो हम झट कहेंगे कि वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब उसमें दोनों ही कैरेक्टर। सच ऑक्साइड्स विच फॉर्म सॉल्ट विद एसिड एंड बेस वो
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों इस कैटेगरी के दोनों ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। किसी एक पर भी विचार करके देख लीजिए कि अगर जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अल्कली के साथ करा दें, मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कंबाइन होकर बनाएगा Na2 ZnO2 और H2। सोडियम जिंकेट बनाया, जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट बना। आपको सिंपल सॉल्ट का तो नोमेनक्लेचर करना सिखा चुके हैं, खुद नाम पढ़ी। ऐसे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और यही ZnO जब एसिड से रिएक्शन करता है, जैसे सपोज कीजिए H2SO4 से, तो ये रिएक्शन करके बनाएगा ZnSO4 और वाटर निकालना। तो क्या देखा है, ZnO NaOH से भी रिएक्शन किया और सॉल्ट बनाया, ZnO H2SO4 से भी रिएक्शन किया और सॉल्ट बनाया, मतलब इसको दोनों ही के साथ रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए ये ऑक्साइड्स क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथा है न्यूट्रल ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो मैं एसिड से कंबाइन करके सॉल्व बना दे और मैं बेस से कंबाइन करके सॉल्व बना दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। सच ऑक्साइड विच do not form salt with acid as well as base are called एग्जाम्पल के लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों ना एसिड से रिएक्शन करते हैं ना बेस से रिएक्शन करते हैं, तो हम झट कहेंगे ये दोनों ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये चार तक का हम स्टडी कर चुके हैं, चार बचा हुआ है, वीडियो पॉज कीजिए और हम लोग तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चार ऑक्साइड्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर चुके, पांच मारे is peroxide, और सिंपल परिभाषा है कि ऐसे ऑक्साइड जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो स्ट्रक्चर में दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, या उसके फॉर्मूला में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिख लें, तब वैसे ऑक्साइड को हम पेरोक्साइड कहेंगे। इसकी परिभाषा लिखते हैं, सच ऑक्साइड्स इन विच टू ऑक्सीजन एटम्स आर लिंक्ड आया सिंगल बॉन्ड और व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर
सीजन इज माइनस वन देन ऑक्साइड इज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड that is sodium Na2O2. Its a structure formula is written like this. Here we see that two oxygen atoms are linked with each other by means of single bond. Therefore, we may say that this type of oxide is peroxide. Simultaneously, when we calculate oxidation number, we will see that oxidation number of this oxygen is minus 1 and this oxygen is also minus 1. Therefore, we may say that sodium peroxide is actually peroxide. When we consider hydrogen peroxide has a structure formula like this. Here also two oxygen atoms are linked with single bond. Therefore, we may say that hydrogen peroxide is also peroxide. Here oxidation number for both the oxygen atoms are minus 1 when we calculate according to oxidation reduction chapter or oxidation reduction concept. We will find that both oxygen are having oxidation number minus 1. So it is also peroxide. Chromium peroxide CrO5, its structure formula is written like this, Cr5 oxygen atoms are linked with oxygen. Here we see that one oxygen is linked via chromium by means of double bonded. So it is normal oxygen. But four oxygen atoms are in the form of two peroxide group. Two oxygen atoms are linked with single bond. Similarly, another two oxygen atoms are linked with single bond. Therefore, we see here that two pairs of O single bond O are available with carbon chromium. Therefore, two peroxide linkage are here. Or when oxidation number is calculated, we see that for these four oxygen atoms, oxidation number are calculated as minus 1. So, four oxygen atom in CrO5 has oxidation number minus 1, whereas one oxygen atom which is linked by a double bond is normal oxide. So, this is also peroxide. So, these are the peroxides which we have studied. Similarly, when we consider barium peroxide is BaO2. Its structure formula is written like this. Here we see that two oxygen atoms in barium peroxide are linked by a single bond. So it is also peroxide. And on calculation, we find that oxidation number of oxygen atoms are minus 1. So, according to definition, it is also peroxide. This was fifth. Sixth is mixed oxide. ऐसे oxide जिसमें एक ही metal के दो different oxidation state का ऑक्साइड हो और वे मिक्स होकर बनते हो तब वैसे ऑक्साइड को मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्स्ड ऑक्साइड हो तब वैसे ऑक्साइड को हम लोग मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं सच ऑक्साइड इज
the mixture of two oxides of same metal, same element in two different oxidation states. As for example, consider iron. Iron has two oxidation states, that is two valency. One is ferrous, like this, and another is ferric, like this. When its oxide is prepared, the formula for its oxide will be FeO, and oxide of this, for this formula will be Fe2O3. This is ferrous oxide, because oxidation state of iron is also, as we have discussed in the basic medical chart, you see there. So its oxide must be written like this. When it is in iron state 3, in that case, the oxide of this form, that is called ferric, will be Fe2O3. So one element has two oxides in different oxidation states. When they are allowed to mix with each other, agar isi dono ko mila diya jaye, to formula kya ho jayega? Do Fe, yahan ek Fe, to Fe3 ho jayega. तीन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन हो जाए. दिस इज Fe3O4. इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? इसका अपना नाम है मैग्नेटिक ऑक्साइड. मैग्नेटिक ऑक्साइड केमिकली क्या पढ़ेंगे? तो एक पार्ट है जिसमें कम वैलेंसी वाला ऑक्साइड है फेरस ऑक्साइड, और ज्यादा वैलेंसी वाला ऑक्साइड है फेरिक ऑक्साइड. ये दोनों मिलकर ये बनाया है, तो कम ऑक्साइड वाला फेरस और ज्यादा ऑक्साइड, ज्यादा वैलेंसी वाला ऑक्साइड फेरिक. तो लिखते हैं फेरसो फेरिक ऑक्साइड. फेरसो मतलब फेरस से आया, फेरसो फेरिक मतलब कम वाले को पहले लिखना है और उसमें जोड़ दीजिए ज्यादा वाला आपका ऑक्साइड सबसे लास्ट में. तो इस ऑक्साइड का केमिकल नेम हो गया फेरिसो फेरिक ऑक्साइड. ठीक ऐसे ही हम लोग लेड पर विचार करें, पीवी पर. पीवी का दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है पीवी प्लस प्लस, देखिए अपने बेसिक मेडिकल के चार्ट में. इसकी वैलेंसी तो यहाँ दो है क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा है इसका Pb4+, वैलेंसी चार है क्योंकि इस पर चार पॉजिटिव चार्ज है. जब इससे इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो होगा PbO, और इससे जब इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो होगा PbO2. अगर इस दोनों को एक साथ मिक्स कर दें तब हो जाएगा Pb2O3, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन O3 हो गया, यहाँ Pb2 हो गया. ये अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पहले कम वैलेंसी वाला इसको तो पढ़ते हैं पलंग को, देखिए अपने चार्ट में टेबल में, और इसको पढ़ते हैं पलंगी. तो इसका नाम क्या देंगे? पलंगो पलंबी ऑक्साइड. तो हम कैसे समझेंगे कि मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? इसे आसानी से पहचान सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए आपको दे दिया गया Pb2O3, ये दे दिया गया. अब इसको आपको नाम पढ़ना है, तो पहले पहचानिए कि कौन सा
रास्ता उठाई है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी इस पर है, बता चुके थे, और इसकी वैलेंसी इस पर है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो यहाँ टू नजर आ रही है, सही है, लेकिन आयरन की टीबी की वैलेंसी कितनी है? तीन। ये चार्ट में देखिए तीन तो है ही नहीं टीबी का वैलेंसी। टीबी का वैलेंसी या तो दो है या चार है, तीन तो होता ही नहीं है। तो जहां पर ऐसी गड़बड़ी नजर आवे आप झट समझ जाइए कि जरूर वह कहीं मिक्स ऑक्साइड हो, तब उसको जोड़ के तब नाम बताए। या ऐसे ही एक ही 304 आपको दे दिया गया है और इसका नाम बताना है, तो क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तीन नजर आ रही है, आयरन की वैलेंसी चार नजर आ रही है। तो आयरन की वैलेंसी तो चार होती नहीं है, आप अपने चार्ट में देखिए। और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सब जानता है, जग जानता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो ही होती है, तीन होगी नहीं सकती है। तो यहाँ तो दोनों में गड़बड़ी है, इसका अर्थ है कि ये हो सकता है ये मिक्स ऑक्साइड। तो फिर इस आउटलाइन पर आके उसका नाम बताइए। तो ये तरीका है मिक्स ऑक्साइड बनाने का। तो ये छठा था, इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़े। सिंपल सी बात है, सब का मतलब होता है एक ग्रेड नीचे। अरे सब इंस्पेक्टर, क्यों इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर का असिस्टेंट है इसलिए सब इंस्पेक्टर। सब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर नहीं है असिस्टेंट है। सब पोस्टमास्टर असिस्टेंट, वैसे ही ये है। सब ऑक्साइड, ऑक्साइड तो है लेकिन ये ग्रेड में नीचे है। क्या है उसकी परिभाषा? ऐसा ऑक्साइड जो ऑक्साइड अपने में अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन रखता हो, वैलेंसी के अनुरूप पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं हो, तब उसे हम लोग कहेंगे सब ऑक्साइड। इसलिए परिभाषा देते हैं सच ऑक्साइड इन विच नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिलेटिवली लो आर कॉल्ड सॉफ्ट। इजी ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें एग्जाम्पली ग्रांटी है। इजी एक दैट इज वर्ड है एग्जाम्पली ग्रांटी है मतलब एज फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग विचार करके देखें, जैसे N2O दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या देख रहे हैं दो नाइट्रोजन है, तो कम से कम इसमें भी तो दो ऑक्सीजन होता है, लेकिन है नहीं, कम है, अपेक्षाकृत कम है। नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या सब ऑक्साइड। और सब ऑक्साइड ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम है ये लाफिंग गैस भी कहलाता है। अगर इस गैस को वातावरण में डाल दें और किसी प्रकार से आपका हंसी स्टार्ट कर दें तो आप हंसते रह जाइएगा, आप रुक नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम है लाफिंग गैस भी। फॉर्मूला है जो दूसरा है C3O2, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। देख रहे हैं इसमें कि तीन कार्बन है और ऑक्सीजन की संख्या दो ही है, इसलिए ये सब ऑक्साइड हो गया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानते रहिए, इस टाइप से केवल कार्बन बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल्स हैं सब ऑक्साइड्स के। और लास्ट है आठवा, दैट इज सुपर ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्रैक्शन में हो, अर्थात ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1/2 हो तब ऐसे ऑक्साइड को हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं इसी प्रकार से, सच ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन ऑलवेज रिमेन्स इन फ्रैक्शन एक चीज आपके नॉलेज के लिए कि केवल अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड बनाता है, वो भी केवल सोडियम पोटासियम अल्कली मेटल लाइक सोडियम एंड पोटासियम और सोडियम सुपर ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। स्पष्ट है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका -1/2 आएगा, इसका भी -1/2 आएगा। कैलकुलेट करते देखेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर और उसमें ये कैलकुलेट करना सिखाया गया है, तो आप उस आउटलाइन पर कैलकुलेट करके देखिए -1/2। तो ये था ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लिखने का तरीका। तो हम लोग मेनली एसिड का कोई भी एसिड हो उसका फॉर्मूला लिखना सीख चुके हैं, या फॉर्मूला दिया हुआ है तो नामकरण आ चुका। आज हम लोगों ने ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, अब तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऑक्साइड का 8 टाइप होगा, लेकिन अब खैर जान गए। और सबका टाइप्स और कहां पर कौन क्या है देख कर पहचानने का तरीका बता चुके, नेमिंग का फॉर्मूला लिखने का इस सारा तरीका सीख चुके। अब आपके पास सारा अस्त्र शस्त्र मौजूद है, लेकिन मेन है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं आने वाला है। और इतना कर लीजिए तो देखिए केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में प्रेजेंट है, फिर आपको कितना मजा आता है पढ़ने के दौरान या खुद अनुभव कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप इसको ढंग से पढ़ें और इसको याद करके मेमोरी में रखें, और ये हमेशा इसका इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री आपके सामने से गुजर रहा है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही।